सत श्री अकाल पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन च मैं रमन बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। बुलेटिन का आगाज करांगे पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइनस ते। डीएसजीएमसी चोणां दे नतीजे अज सवेरे 8 बजे तो वोटां दी गिनती जारी, वोटां दा रुझान आउणा शुरू। दिल्ली कमेटी चोणां च उम्मीदवारां ने लगाई अपनी पूरी वाह, बंद डब्बियां विच कैद होई किस्मत, अज आवेगा फैसला। दिल्ली कमेटी चोणां विच श्रोमणी अकाली दल दी जित बरकरार, वड्डी लीड। श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार हरमीत सिंह कालका ने जित कीती दर्ज। पंजाब कांग्रेस नूं लैके रवनीत सिंह बिट्टू दा वड्डा बयान, पंजाब कांग्रेस विच तड़ेबंदी सिखरां ते। पंजाब कांग्रेस ने अपने 5 सालां दे कार्यकाल दौरान जो कीता उसदे नतीजे 2022 विच आउणगे सामने। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां नूं लैके उम्मीदवारां दी किस्मत जो बंद डब्बे विच कैद हो गई सी उसदा नतीजा अज ऐलाना जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं 22 अगस्त नूं होईआं चोणां दे नतीजे आ जा रहे ने। इस संबंधी वोटां दी गिनती सवेरे 8 बजे तो शुरू हो चुकी है, दोपहर तक नतीजे आउण दी संभावना प्रगटाई जा रही है। वोटां दी गिनती 5 गेड़ां विच कीती जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां लई कुल 312 उम्मीदवार चोण मैदान विच नितरे ने। चोणां विच 7 धार्मिक पार्टियां मैदान विच ने। इन्हां विचों मुख रूप नाल श्रोमणी अकाली दल बादल, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, जागो पार्टी, पंथक लहर चोणां लड़ रही है। दिल्ली कमेटी चोणां नूं लैके हर एक उम्मीदवार वल्लों अपनी पूरी वाह लगाई जा रही है ते 22 अगस्त नूं होईआं वोटां तों बाद उम्मीदवारां दी किस्मत बंद डब्बियां विच कैद हो गई सी। जेकर गल कीती जाए इन्हां चोणां विच जो रजमाइश कर चुके उम्मीदवारां दी, तां दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओह चोण मैदान विच नितरे ने। श्रोमणी अकाली दल बादल दिल्ली इकाई दे प्रधान हरमीत सिंह कालका चोण मैदान विच ने, जागो पार्टी दे प्रधान मनजीत सिंह जीके चोण मैदान विच ने, इस तरह बलदेव सिंह वडाला भी चोण मैदान विच नितरे ने, जिन्हां नूं उडीक है इन्हां चोणां दे नतीजिआं दी। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजीत सिंह जीके ते हरविंदर सरना विचकार जबरदस्त मुकाबला देखण नूं मिल रिहा है। उधर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां दे नतीजिआं दे शुरुआती रुझान आउणे शुरू हो गए ने। जेकर गल कीती जाए इन्हां रुझानां दी, तां श्रोमणी अकाली दल बादल 20 सीटां ते अगे चल रही है, जदों कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली 5 सीटां दे फर्क नाल अगे चल रही है। इस तरह जागो पार्टी 5 सीटां तों अगे, जदों कि होर पार्टियां सीट ते अगे चल रही ने। शुरुआती रुझानां दी जेकर गल कीती जाए तां श्रोमणी अकाली दल बादल दे उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा लीड बरकरार रखे हुए ने। 46 विचों 27 सीटां दे रुझान आ चुके ने, जिस विच श्रोमणी अकाली दल बादल 20 सीटां ते बढ़त बनाई हुई है। रोहिणी तो श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार सरबजीत विरक अगे चल रहे ने, जो कि 386 वोटां नाल अगे चल रहे ने। इस दे नाल ही वार्ड नंबर 8 शकूर बस्ती तो अकाली उम्मीदवार रमीत सिंह स्मार्टी चड्डा अगे चल रहे ने। वार्ड नंबर 2 सरूप नगर तो अकाली उम्मीदवार रविंदर सिंह खुराना ने लीड बरकरार रखी हुई है। जेकर वार्ड नंबर 42, 43, 44, 45, 46 की गल करिए, सिरसा की पार्टी इत्थे अगे चल रही है। वार्ड नंबर 46 तो जागो पार्टी के मंगल सिंह 115 वोटों तो अगे चल रहे हैं। उधर जेकर गल की जाए वार्ड नंबर 39 की, तो हरमीत सिंह कालका अगे चल रहे हैं, जिन्होंने 786 वोटों नाल जित दर्ज कर ली है। इतने दस दिए कि हूँ तक कुल 20 सीटों के रुझान सामने आ चुके ने। वार्ड नंबर 29 पार्क तो श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार जगदीप सिंह कालू अगे ने, 407 वोटों नाल जगदीप सिंह कालू ने लीड बनाई हुई है। वार्ड नंबर 25 तो तिलक नगर तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के जतेंद्र सिंह सोनू अगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 37 तो ओंकार सिंह 100 वोटों तो पिछे चल रहे हैं। उधर वार्ड नंबर 40 तो जसबीर सिंह खालसा 34 वोटों तो पिछे ने, ते वार्ड नंबर 35 तो परमजीत सिंह पार्टी 140 वोटों तो पिछे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 38 तो मनजीत सिंह जी के 400 वोटों तो अगे ने, ते वार्ड नंबर 39 तो हरमीत सिंह कालका ने 786 वोटों ते जित दर्ज कर ली है। उधर बीबी रणजीत कौर अकाली दल बादल तो अगे चल रहे हैं, नाल ही अकाली दल बादल तो रमिंदर सिंह स्वीटा अगे चल रहे हैं।
मालविया नगर तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के गुरप्रीत सिंह खन्ना अगे ने ते कनाट प्लेस तो श्रोमणी अकाली दल बादल के अमरजीत सिंह अगे चल रहे हैं। जेकर गल की जाए वार्ड नंबर 32 जनकपुरी तो सरना तड़े के कुलदर्शन सिंह ने लीड बनाई हुई है जो कि 800 वोटों के अगे चल रहे हैं। इतने दस दिए कि हुण तक 50% सीटों के रुझान आ चुके हैं जिन्हों 46 सीटों 27 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं जिन्हों श्रोमणी अकाली दल बादल ने 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सिंह कालका जी ने जित हासिल करके ने क्योंकि लंबा समा जो गल की जाए 2 साल बेमिसाल का जो नारा दिता गया कितना कितने जो संगत वालों जो रंग लिया गया। सो गलबात करते हैं हरमीत सिंह कालका जी के क्योंकि उन्होंने वालों लगातार 2 साल तो बेमिसाल की गल की जा रही थी जित हासिल की है की कहना चाहते हो जो हम संगत के जा रहे हो जित हासिल करके सर्टिफिकेट लैके आए हो हूँ कितने सब तो पहला किहड़े गुरु घर जाके दर्शन करोगे? देखो गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान के उत्ते सवेरे नतमस्तक होकर आया आज द और दोबारा उत्थे जाके शुक्राना अदा करांगे। मगर अज जो संगत का प्यार मिल रहा पूरी दिल्ली दे विच पार्टी नूं जिस तरीके दे नाल जित हासिल हो रही है मैं समझदा लोगों ने वो जिहड़ियां सेवावां कीतियां 2 साल उहदी सराहना कीती। जिस तरह क्या जा रहा है हाँ श्रोमणी अकाली दल जो नामो निशान खत्म करता जाएगा विरोधी लगातार निशाने पर लै रहे उसमें की कहना चाहते हो? देखो नामो निशान खत्म करने वाली गल कभी हो नहीं सकती क्योंकि एक कैंडीडेट तो ही उत्ते डिपेंड करता है और यह मैनेजमेंट दल्ला होंगे इलैक्शन एक मैनेजमेंट का पार्ट होंगे। सो जिस तरीके पार्टी ने काम किया संगत ने सराहना की है जोड़े कैंडीडेट्स अपनी सीटों के उत्ते प्रोपर मैनेजमेंट नहीं कर सके प्रोपर तरीके लोगों को अपनी गल समझा नहीं सके वो जरूर इस गलों पिछे रह गए हैं मगर गुरु महाराज उन्होंने को सेवा फिर भी लेगा। संगतान की मैसेज देना चाहते क्योंकि संगत वेट कर रही ने संगत का तो कोटानकोट धनवाद करदा कि जिन्होंने बड़ी वड्डी जित हासिल कराई है श्रोमणी अकाली दल की भी और खास तौर पर मैं अपने इलाके की गल करा तीजी बार लगातार जित होनी और जिथे पूरा तंत्र जंत्र जरा लगाता सरदार मनजीत सिंह जी के आप 15 दिन इस सीट पर बैठे रहे बीजेपी की सहाराणा आम आदमी पार्टी की सपोर्ट सरदार अवतार सिंह सबका MLA उत्ते नाल लगे रहे डोर टू डोर कोई ऐसा नहीं जी कांग्रेस की सपोर्ट भी इन्होंने पूरी तरीके दे नाल लई है पूरी चारों पासे इन्होंने घेराबंदी सरकारी तौर पर पुलिस का दबाव इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जिस तरीके दे नाल अज इतों सीट निकल के आई है मैं समझदा लोगों की अपनी जित है। जिमें कि तुम्हें पता है 22 अगस्त में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां होईयां सन वोटिंग हुई थी अज 25 तरीक है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां दी जो कि गिनती शुरू हो गई है सारी टीम इस टाइम खड़ी है आर्या भट्ट जो कि सेंटर बनाया गया इतने एक नंबर वार्ड तो लैके 10 नंबर वार्ड तक की काउंटिंग जो शुरू हो गई है जिसे तुम असं अपडेट देते रहेंगे। सब तो महत्वपूर्ण गल इस वार्ड के है इस वार्ड के आर्या भट्ट विखे पूरे संसार की पूरी दुनिया के सिखों की नज़र है क्योंकि इस जगह से सरदार परमजीत सिंह सरना हरविंदर सिंह सरना जो कि सबका प्रधान हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा इन्हों दोनों महत्वपूर्ण कैंडीडेटा की जो कि गिनती इस वार्ड से हो रही है सारे संसार की सारी दुनिया की निगाहें इस वार्ड के उत्ते हैं इस सीट के उत्ते हैं खास करके असं तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। काउंटिंग शुरू हो गई जिस तरह इस अंदरों रुझान आते रहेंगे उस तरह साड़ी चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम तुम्हें मिनट पर अपडेट करती रहेगी। इस समय आर्या भट्ट के जो अंदरों रुझान आ रहे हैं समाटी चड्डा जो कि श्रोमणी अकाली दल बादल दिल्ली इकाई तो अपनी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणों लड़ रहे सन वो हमने हमने थले आए हैं उन्होंने गल करते हैं समाटी समाटी वोटिंग ऊपर शुरू हो चुकी है। हाँ जी अभी वोटिंग स्टार्ट हो गई कितने बजे वोटिंग शुरू होगी? वोटिंग कुछ 8 बजे चालू हो गई क्योंकि पहला राउंड खत्म हो गया जी। इस टाइम उपर किस तरह के रुझान कैसे मिल रहे हैं? देखो जी हाले तक तो 3 सीटों का जी लीड कर रही है श्रोमणी अकाली दल सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी की पार्टी तो हाले कुछ टाइम वास्ते फस्ट राउंड तो बाद काउंटिंग रोकी गई क्योंकि कुछ जिमें वार्ड नंबर 3 है वो थोड़ी जी आपस में नोकझोंक हो गई आपस में इस करके थोड़ी देर वास्ते काउंटिंग ये सरदार जगजीत सिंह जस्सी जी तो अगे दूजी पार्टी है वह मैंने पूरा पता नहीं तो इस करके हाले काफ़ी 1/2 घंटे तो काउंटिंग रोकी गई है। सो समाटी चड्डा जी ने दसिया पहले राउंड दिया जो चोणा हो चुकी हैं जिसे जो अपनी सीट की गल करते हैं भी कुछ वोटा तो अगे जा रहे हैं और नाल ही दस रहे हैं जगजीत सिंह जस्सी जो कि मुखर्जी नगर तो इलैक्शन लड़ रहे सन वो कुछ कारण करके दोनों धड़े ने आपसी झगड़ा हो गया जिस करके कुछ देर वास्ते वोटिंग रोक दी गई है। सो असी नाल दे नाल जिस तरह भी उपरों कोई अपडेट आती है आप जी साझी करते रहेंगे। चढ़ती कला टाइम टीवी गुरदेव अमृतपाल सिंह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आज जी वोटिंग है वह पहला चरण शुरू होया हो बहुत ही वधिया रुझान मिल रहे ने संगतों का प्यार मिल रहा मैं समझदा कि जे इदा ही शांतिपूर्वक अज की काउंटिंग चलती रही तो गुरु महाराज की कृपा सदका गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की कृपा सदका श्रोमणी अकाली दल एक बार फिर संगत की सेवा आ जा रही है
और संगत ने मन बनाया होया सी कि श्रोमणी अकाली दल दीआं जिहड़ीआं 2 साल दीआं सेवावां नूं देखदे होए उन्होंने बहुत ही प्यार बख्शिया और मैं समझदा एक तरफा जित हो के इत्थों निकलेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। ते खबर पंजाब वजारत दी है तां इन्हीं दिनीं पंजाब सरकार दे अपने ही मंत्री बगावत उतर आए ने जो कि पार्टी विच खामियां नूं लै के हरीश रावत नाल मुलाकात करन जा रहे ने। ए मंत्री जो कि हरीश रावत दे नाल मुलाकात करन जा रहे ने उन्हां विच तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखविंदर सरकारिया ने। इन्हां दा कहना है कि वह पार्टी विचलियां खामियां नूं दूर करन दे मुद्दे नूं लै के जा रहे ने। उनका मार्गदर्शन बिना नेतृत्व की शक्ति के तो हम होते चले की तरीके से हो जाते हैं। होता है राजनीति में अभी इस तरीके की आकस्मिकता ना आए, इस तरीके के वर्ड ना आए जिसमें आप तो राजनीति का मजा मटर नहीं करता है। राजनीति यही है लेकिन इसमें समाधान निकाला जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो विधायक साथी हैं वो मुझ पर विश्वास रखेंगे। हम समाधान सर ये बात जब से सिद्धू जी ने यहाँ के अध्यक्ष पद की कमान संभाली है जो बागी विधायक हों उनके उनका साथ मिल रहा है, आपको लगता है कि सिद्धू जी के आने के बाद थोड़ा हालात कल सिद्धू जी से अलग से मिले हैं लेकिन सिद्धू जी इसमें हैं ऐसा किसी ने नहीं देखो गलत नहीं कहना चाहिए। हाँ हाँ थोड़े परिवर्तन क्योंकि सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है तो ये हमको आगे के लिए भी देखना था तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है और इसका अर्थ ही नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंपी है। अमरेंद्र सिंह जी हैं, सिद्धू साहब हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू जी संधु जी नहीं सुखविंदर सिंह लंधवा जो यहाँ आए हैं वो हैं, हमारे बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री हैं श्रीपद बाजवा जी वो हैं और प्रताप सिंह बाजवा हैं हमारे और सबसे बड़ी एक हमारी दीदी हैं अंबिका सोनी जी सबसे प्रमुख पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं है और वो सब लोग सामूहिक तरीके से सर आपने कहा कि एक अवसर आया है एक बात आई है इसका समाधान निकाल दिया। खबर अफगानिस्तान तो है जिथे औरतों लिए एक नवा फरमान जारी किया गया। जी हाँ हुण औरतों नूं नेल पॉलिश लगाने ते सजा भुगतनी पै सकती है। अफगानिस्तान विच पछमी देशों का सभ्याचार चलन वाला नहीं है। अफगानिस्तान विच तालिबान के कब्जे तो बाद जिथे सब तो ज़्यादा डर औरतों संबंधी सी उते ही मर्द भी इस तो अलग नहीं ने। औरतों लिए जिथे तालिबान ने साफ कर दिता है कि वह बुरका जां हिजाब विचों किसी एक की चोण कर सकदियां ने। इस दे नाल ही मर्दां लई भी हुण ड्रैस कोड तैयार किया जा रहा है जिस विच साफ है कि अफगानिस्तान विच हुण पछमी देशों का सभ्याचार चलन वाला नहीं है। हुण तालिबान वालों एक होर नवा फतवा जारी कर दिता गया है जिस विच तालिबान वालों जीन्स पाउण ते रोक लगा दी गई है ते नाल ही कुड़ियां नू नेल पॉलिश की वरतों तो भी दूर रहने लई हदायत दी गई है। इस मामले विच तालिबान ने स्पष्ट किया है कि उन्हां दी गल ना मलण वालियां नू इस दी सज़ा भुगतनी पै सकदी है। इस दे अलावा औरतों लई हाई हील वाले सैंडल ते भी पाबंदी लगाई गई है क्योंकि ये आवाज़ करती है जो मर्दां नू इशारा करती है। सो अफगानिस्तान विच तालिबान दा वधदा रुतबा तालिबान वालों जारी फरमान विच औरतां ते मर्दां लई नवीं हदायतां जारी कीतियां गईआं ने। संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने मन्निया कि पंजाब कांग्रेस विच धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा है ते इह उहनां लई चिंता दा विशा है। उन्हां कहा कि पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत नूं इस मुद्दे वल ध्यान देना चाहीदा है कि धड़ेबंदी नूं किवें दूर कीता जाए। पंजाब कांग्रेस कमेटी दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली देण दे बयान बारे पुछे जाण ते सवाल ते रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वह सिद्धू के मुद्दे ते गल नहीं करना चाहते ने। यकीनी है कि पंजाब कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल दौरान जो किया उसके नतीजे 2022 दीआं चोणां विच सामने आणगे।
गल करिए करोना के कैद की, तो देश में एक बार मुड़ तो करोना का कैद देखने मिल रहा है। दरअसल मंगलवार को काबुल तो भारत लियांदे 78 नागरिकों विचों 16 करोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुहानू दस दईए कि इन्हां विच ओह 3 सिख शामिल ने जो अफगानिस्तान के गुरद्वारों तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब लियाए सन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इन्हां लोगों के संपर्क में आए सन। फिलहाल इन्हां सारिआं नूं क्वारंटाइन कर दिता गया। जाते जाते एक नज़र वैदर रिपोर्ट। खबरों के इस बुलेटिन च नहीं, देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल। छड्डी का टाइम टीवी ते धन्यवाद।